योहानस गुटेनबर्ग। आज छपी हुई किताबें बाजार में आसानी से और कम कीमतों पर मिल जाती हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। किसी एक किताब को पाने के लिए महीनों के वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था। तब किताबें केवल धनी लोगों के पास ही पहुंचती थी, गरीब लोग तो उन्हें पाने की सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए कि छपाई मशीन के आविष्कार से पहले किताब तैयार करना बहुत कठिन था। हर किताब का एक एक अक्षर हाथ से लिखना पड़ता था, तब कहीं मुश्किल से किताब की नकल तैयार होती थी। किसी किताब की 5-10 प्रतियां तैयार करने में भी बहुत समय लग जाता था, उनमें भी कई गलतियां रह जाती थी। छपाई मशीन की खोज के बाद किताबें छापना इतना आसान हो गया कि थोड़े ही समय में हम किसी भी किताब की हजारों लाखों प्रतियां तैयार कर सकते हैं। यह चमत्कार जिस महान वैज्ञानिक के कारण हो पाया, उसका नाम योहानस गुटेनबर्ग था। योहानस गुटेनबर्ग का जन्म आज से 600 साल पहले जर्मनी के मेंज शहर में हुआ था। इनके पिता मेंज के जाने माने अकाउंटेंट थे। घर की हालत अच्छी थी, वे बड़े मनमौजी और धुनी बालक थे, अपने ढंग से जीने वाले। उनकी दोस्ती सुनारों, दस्तकारों और मुहर बनाने वालों से थी, गली में जिनकी काफी दुकानें थी। उनकी संगति में गुटेनबर्ग ने इस तरह काफी काम सीख लिए थे। धातुओं को मिलाकर अलग अलग तरह की धातुएं बनाने के काम में वे कुशल हो गए। तभी उनके मन में बड़ा अनोखा ख्याल आया। वे सोचने लगे, क्या रबड़ की तरह धातु के अक्षर नहीं डाले जा सकते? उन्हें लगा, अगर वह इस काम को कुशलता से कर लें, तो वह एक ऐसे छपाई मशीन बना सकते हैं जिससे किताबें बहुत आसानी से छापी जा सकती हैं। और यह ज्ञान दुनिया में एक क्रांति जैसी चीज होगी, क्योंकि इससे किताब की प्रतियां तैयार करने में लगने वाला मनुष्य का बहुत सा श्रम और समय बच जाएगा। छपाई मशीन के बारे में सोचना जितना आनंददायक था, वास्तव में उसे रूप देना उतना ही मुश्किल। पर गुटेनबर्ग कठिनाइयों से घबराते नहीं थे। उन्होंने हर चीज के लिए पहले अपने आप को तैयार कर लिया था। मन ही मन वे हर मुश्किल का हल सोचने में जुटे रहते थे। सबसे पहले तो उन्होंने हर अक्षर की सुंदर ड्राइंग तैयार की, फिर उन्हीं के आधार पर लकड़ी से अक्षर बनाए। बाद में सब अक्षरों के साँचे बनाए और धातु के अलग अलग अक्षर बनाए। वे चुपचाप इन सारे कामों में जुटे रहे और मन ही मन छपाई मशीन की योजना पर काम करते रहे। वे चाहते थे जब तक छपाई मशीन बनकर तैयार ना हो जाए, उनकी यह खोज गुप्त ही रहे। अपनी मित्र की मदद से गुटेनबर्ग ने सन 1450 में छपाई की पहली मशीन लगाई। उनकी इस प्रिंटिंग मशीन में छापने वाली पहली किताब थी लैटिन की बाइबल। अपने पहले प्रयास में ही गुटेनबर्ग ने कितनी होशियारी और सफाई से काम किया था, यह इसी से पता चलता है कि उनकी प्रेस में छापने वाली पहली किताब के हर पन्ने पर 42 पंक्तियां थी। एक और खास बात यह थी कि गुटेनबर्ग ने अलग अलग अक्षरों को ढाला था, इसलिए छपने के बाद किसी एक पन्ने के अक्षरों से फिर अगले पन्ने भी तैयार किए जा सकते थे। गुटेनबर्ग को इस बाइबल को छापने में 3 साल तक की मेहनत करनी पड़ी, पर यह सच में बड़ी सुंदर और दर्शनीय पुस्तक थी। उनके द्वारा छापी गई बाइबल को आज हम गुटेनबर्ग की बाइबल के नाम से जानते हैं। इसके छपने के कोई 500 साल बाद न्यूयॉर्क में इसकी एक प्रति $1,20,000 में बिकी थी। गुटेनबर्ग की मृत्यु के बाद उनके जन्म स्थान पर उनके नाम से एक बहुत बड़ा संग्रहालय बनाया गया था। अनेक नगरों में उनके स्मारक खड़े किए गए और आज भी लोग उन्हें एक महान ज्ञान विज्ञान के दूत के रूप में याद करते हैं। सरदार पटेल की कर्तव्य के प्रति ईमानदारी। सरदार पटेल वास्तव में अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार थे। उनके इस गुण का दर्शन हमें सन 1909 की इस घटना से लगता है। वे कोर्ट में केस लड़ रहे थे। उस समय उन्हें पत्नी की मृत्यु का तार मिला। पढ़कर उन्होंने इस प्रकार पत्र को अपने जेब में रख लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 2 घंटे तक बहस कर उन्होंने वह केस जीत लिया। बहस पूर्ण हो जाने के बाद न्यायाधीश तथा अन्य लोगों को जब यह खबर मिली कि सरदार पटेल की पत्नी का निधन हुआ है, तब उन्होंने सरदार से इस बारे में पूछा। तब सरदार ने कहा, उस समय मैं अपना फर्ज निभा रहा था, जिसका शुल्क मेरे मुवक्किल ने न्याय के लिए मुझे दिया था। मैं उसके साथ अन्याय कैसे कर सकता था? ऐसी थी उनकी कर्तव्य परायणता और शेर जैसा कलेजा।